बहुत हंसी आ रही है तुझे, तेरी सारी हंसी खत्म हो जाएगी मेरी बात सुन के। बता, सुन ले। इतू ते पटड़े ऊपरी पैर धरनी ने निकल जाए यहां से। हिरमत नंदलाल उठाइए रिश्ते के बारे में नहीं जानता। अरे अगर तू जानता तो ये हरकतें ना करता जो तू कर रहा है। द्रौपदी कुछ शर्म कर। अरे शर्म तक तुझे आनी चाहिए। इतनी बेशर्म मत बने। अतिथि देवो भव की परंपरा है, अतिथि का सम्मान देवता के बराबर। अच्छा तो तू मेरा अतिथि बन के आया। तेरा भाई नहीं बल्कि तेरा अतिथि भी बन के आया हूं। मानते होंगे तुझे दुनिया वाले भगवान, मैं तुझे भगवान नहीं मानती। ओ काय चराने वाले, तू मुझे क्या भात देगा? चला जा यहां से। अगर आज तेने भात नहीं लिया ना, जिंदगी भर रोवेगी पछतावेगी। मैं तो वैसे भी रो रही हूँ तेरा साल से, वैसे भी रो रही हूँ। अगर बहन की सोचता तो तेरा साल से जली भुनी बैठी हूँ, ये मेरे केश कब के बन जाते। अब 13 साल पूरे हो गए हैं, नियम बना ले। अच्छा। सुबह जल्दी जगा कर 3:36 पे। अच्छा सारे नियम मैं बना लू, तू कुछ मत बना। हाँ, और ताजी ताजी हवा खाया कर। अच्छा अब कह तू अपनी बात क्या कहना चाहती थी। तू के जाने रिश्ता कैसा, भाई बहन का हो से दर्शन हो जा दोनों के री, दर्शन हो जा दोनों के वो समय चैन का हो से कि भाई का फर्ज समय जो अलग रहने का हो से ना भाई का फर्ज बहन को कौन सा फर्ज निभाया है? बात ले रही है या लड़ाई लड़ रही है? गुस्सा आ रहा है बहुत ज्यादा तेरे से, नाराज हूं। कपड़ाने तो मत फाड़े। हां बहुत, आज तो प्रेस वेस मार के। क्या कहा मैंने? कहीं भी अपना फर्ज नहीं निभाया। हां कहीं भी नहीं निभाया, कभी नहीं निभाया। चुप हो जा, तू चुप हो जा। हे सरदारो, इसकी बात का अगर जवाब बहुत सटीक दूं और अच्छा लगे विद्वान श्रोताओं, तो आपका समर्थन चाहूंगा और आपके तालियों का सहयोग चाहूंगा। अब की बार कहियो तने के प्रश्न करया है। किरसन कहा निभाया था तने अपना फर्ज बताइए। तेरा चीर द्रौपदी ना खिंचने दिया। अच्छा मेरा मत एहसान भुलाइए। Oh,
लग्न होने की नौबत आ गई थी। हाँ। मैं आया और अपना सुदर्शन चक्र लेकर गया। अच्छा। और इतना बड़ा विद्रोह कर दिया उस सभा में जिसमें पांडव कुछ नहीं बोल पाए। पितामह भीष्म, कुलगुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, महात्मा विदुर और वो अंधा राजा कुछ नहीं बोल पाया। मैं आया और इतना बड़ा विद्रोह कर दिया, तेरा चीर हरण नहीं होने दिया, इतने बड़े एहसान को भूल गई और आज यानी के आज कहे चलिया जाइए। थम जा ज्यादा एक्टिंग में मत आ। ऐसा नहीं किया मैंने नाच के। सुन ले मेरी बात, तेरे कहने का ये मतलब है कि तूने भरी सभा में मेरा चीर बढ़ा करके चीर हरण नहीं होने दिया तेरा। हाँ रुक तो जा, पहले मेरी बात तो सुन ले। तेरे कहने का ये मतलब है कि अगर एक भाई अपनी बहन की इज्जत आबरू बचाता है तो वो उस पर एहसान करता है। बहुत बड़ा एहसान किया। ग्वाले कान खोल के सुन ले, अगर तूने मुझ पर कोई एहसान किया है ना, अगर तूने मुझ पर कोई एहसान किया है तो याद कर, तुझसे पहले तेरी इस बहन द्रौपदी ने तुझ पर एक एहसान कर रखा है। मेरे पे? हाँ तुझ पर। तेने? वो तो याद नहीं होगा तुझे। वाजी वा, वाजी वा। हाँ वो तो याद तेने, तेने एहसान कर रखा। हाँ हमने हमने मैंने पल्ले में कोयले और नाम दौलत राम। अच्छा रहने देखो जी, ये एहसान करेगी हम। हाँ हमने तुझ पर एहसान किया है। एक समय का भोजन मिलता है, एक समय भूखे पेट सोती है। मेरी बात सुन, फालतू मत बोल, याद कर उस दिन को। चल बता, मुझे याद नहीं है। हाँ तुझे ऐसी बातें कहाँ याद। रागनी पर हमारे कल्लू राम डागर जी झाड़ सैंतली से 200 रुपए का पुरस्कार।